शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 3 दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। आपको बताना है कि इनमें जो ये कुछ पार्ट में नंबर दिए हुए हैं, जैसे 18 and 35, 15 and 37, 30 and 415, इसमें से कौन सा कोप्राइम है? ठीक है, कौन सा पेयर को प्राइम है? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले नंबर ए लिखेंगे, 18 and 35। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो ऐसे दो नंबर्स, ये दोनों दिए हुए हैं, देखते हैं क्या इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो 18 का पहले फैक्टर निकाल लीजिए, 1 into 18 इसको लिख सकते हैं, और 2 into 9 लिख सकते हैं, 3 into 6 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की नहीं आता, फिर 6 की आएगा, तो रिपीट हो जाएंगे नंबर्स। तो हमको 18 का फैक्टर मिल चुका है, क्या क्या 18 का मिला? 1, 2, 3, 6, 9, 18। और 35 का फैक्टर निकाल लेते हैं, उसको 1 into 35 लिख सकते हैं, और किसकी टेबल में आता है? 7 की टेबल में आता है, 7, 5 या 35। और किसी की टेबल में आता है क्या 35? नहीं आता। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए 35 के? 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 35 हो गया। अब चलिए तो देखिए इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर ऑफ  18 and 35। लिखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 35 इज इक्वल टू क्या आया? सिर्फ यहाँ पे 1 ही तो कॉमन आ रहा है, और कोई नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, तो ऐसे दोनों नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये 18 and 35 जो है वो को प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 18 and 35 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, क्यों? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में है 15 and 37। 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, 15 का क्या होगा? इसको 1 into 15 लिख सकते हैं, 3 into 5 लिख सकते हैं, उसके बाद 5 into 3 लिखेंगे, तो फिर से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो 15 का फैक्टर क्या क्या मिल गया? 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया और 15 मिल गया। 37 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ये होगा 1 into 37, और किसी की टेबल में 37 आता नहीं है, तो 37 का क्या हो गया? 1, 37, ये इसका फैक्टर हो गया 37 का। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है 15 और 37 का, तो लिखिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 and 37 इज इक्वल टू क्या है कॉमन फैक्टर दोनों में? सिर्फ 1 है। तो जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है, उन दोनों नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये 15 and 37 को प्राइम नंबर है। लिखिए यहाँ पे 15 and 37 आर, सो लिख दीजिएगा, इसलिए 15 and 37 आर को प्राइम नंबर्स। इसको यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, ये भी को प्राइम नंबर है। देन उसके बाद सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में क्या है? 30 and 415। सबसे पहले 30 का फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे 30 के क्या क्या फैक्टर? सबसे पहले इसको 1 into 30 लिख सकते हैं, 2 into 15 लिख सकते हैं, देन 3 into 10 लिख सकते हैं, 3 10 30 होता है, फिर 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 5 into 6 लिख सकते हैं, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, फिर उसके बाद 10 की टेबल में आएगा, तो नंबर्स रिपीट हो जाएंगे। तो यही सारे फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं। 30 का क्या क्या फैक्टर देखिए, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये सारे फैक्टर्स हमें 30 के मिल गए। अब 415 का फैक्टर निकालते हैं, इसको 1 into 415 लिख सकते हैं, 2 की टेबल से कटेगा नहीं, 3 की टेबल से देखिए कट रहा है, 4, 1, 5, 5, 5, 10, 3 की टेबल से भी नहीं कटेगा, 4 की टेबल से नहीं कटेगा, 5 की टेबल से कटेगा, क्योंकि इसका वन्स प्लेस में 5 है।
हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ चुके हैं ना, 5 से कौन सा नंबर कटता है जिसके वंस प्लेस पे 5 हो। यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है मतलब ये 5 से कटेगा। तो देखिए 5 से कितनी बार जाएगा, 5 8 40 एंड 5 3 15, 5 × 83 करेंगे तो हो जाएगा। फिर देखेंगे कि और किसकी टेबल में आता है, तो 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में आता है कि नहीं आता वो बात की बात है। पहले आप इसके जो फैक्टर्स निकाले हैं उसको यहाँ पे लिख लीजिए, क्या होगा, क्या क्या फैक्टर निकाला आपने, 1583 और 415, ये सारे फैक्टर्स निकाले। आपको सिर्फ बताना है कि क्या ये दोनों नंबर जो दिए हैं को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है, लिखिए इसका कॉमन फैक्टर्स लिखिए। पहला 1 मिल गया, दूसरा 5 मिल गया। आप देखिए यहाँ पे 1 के अलावा भी एक नंबर आ रहा है, तो क्या ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं? नहीं है। सो 30 एंड 45 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। सो 30 एंड 415 आर नॉट कोप्राइम। ओके, ये कोप्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए कोप्राइम के लिए, बट इसमें 1 और 5 दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो ये जो है ये कोप्राइम नंबर नहीं है। सो 30 एंड 415 ये दोनों कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 को छोड़ के और भी इसमें आ रहा है कॉमन फैक्टर, इसलिए ये दोनों कोप्राइम नंबर नहीं है। आगे देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 17 एंड 68। 17 के फैक्टर्स निकालिए, 17 का क्या हो जाएगा, 1 × 17। तो 17 का फैक्टर आ गया 1, 17। 68 का क्या क्या फैक्टर होगा, इसको 1 × 68 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 की टेबल से कटेगा तो 2 × 34 लिख सकते हैं। फिर देन 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में 4 × 1 = 4 आएगा, तो 4 × क्या लिखेंगे, 4 × 1 = 4 कैरी आए 2 × 28, 4 × 7 = 28। ठीक है, देन 5 की टेबल में नहीं आएगा 6 की, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसे अब फिर नंबर्स रिपीट हो जाएंगे, तो हमको 68 का फैक्टर मिल चुका है, 1, 2, 4, 17, 34 और 68, ये सारे 68 के फैक्टर्स हैं। तो देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17 एंड 68 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है और एक नंबर आपको और मिल गया 17। तो सिर्फ अगर 1 आता तो कोप्राइम नंबर होता, लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा भी एक नंबर आ रहा है, तो ये दोनों नंबर कोप्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए, सो 17 एंड 68 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी और कोई नंबर आ रहा है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट सॉल्व करेंगे, ई में है 216 एंड 215 का पहले फैक्टर्स निकालेंगे, इसको 1 × 216 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 × 108 लिख सकते हैं। 3 की टेबल से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, तो 3 × 3 7 = 21, 3 × 2 = 6 ये लिख सकते हैं। 4 की टेबल से कटेगा क्या, 4 × 5 = 20 एंड 4 × 4 = 16, हाँ कट जाएगा 4 की टेबल से भी, तो 4 × 5 = 20 कैरी आया 1 बन गया 16, 4 × 4 = 16। उसके बाद 5 की टेबल से नहीं कटेगा, 6 की टेबल से 6 × 3 = 18 कैरी आया, हाँ कटेगा तो हो जाएगा 6 की टेबल से 6 × 3 = 18 कैरी आया 3 = 36, 6 × 6 = 36। 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में देख लेते हैं, 8 × 2 = 16, 17, 18, 19, 20, 21, 56 आया, हाँ 7 की टेबल से भी कटेगा, तो 8 की टेबल से काटिए, 8 × 2 = 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 कैरी आया बन गया 56, 8 × 7 = 56। ठीक है, तो 8 की टेबल में भी आ गया, फिर 9 की टेबल में नहीं आएगा, 10 की टेबल में नहीं आएगा,
11 की टेबल में नहीं आएगा, 12 की टेबल में देख लेते हैं, 12 बन जाए 12, देन 9 आया, देखिए 216 को 12 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, 12 बन जा 12, यहां कैरी ले आइए 11 बना, 11 में से 2 गया 9, 96, 12 8 जा 96, तो 12 की टेबल में भी आ रहा है, किसको लिख दीजिए 12 इंटू 18, देन 13 की टेबल में आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, 14 की टेबल में नहीं आएगा, 15, 16, 17, 18, अब आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, सो हमें 216 के कुछ फैक्टर्स मिल गए हैं, जितने फैक्टर्स मिल गए हैं आप उनको लिख लीजिए, क्या क्या मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, बहुत सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं, लिख लीजिए 12 के बाद 18, देन 27, 36, 54, 72, 108 एंड 216, इतने सारे फैक्टर्स अभी मिल चुके हैं, अब 215 के कुछ फैक्टर्स निकाल लीजिए, इसको 1 into 215 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 की टेबल से कटेगा नहीं, 3 की टेबल से नहीं कटेगा, 4 की टेबल से नहीं कटेगा, 5 की टेबल से कटेगा, तो 5 into 5, 4 जा 20, 5 3 जा 15, फिर 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9, 9 2 जा 18, 9 की टेबल से भी नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 11, 12, 13, 13 बन जा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 75, नहीं कटेगा 13 से भी, 14 से भी, 15 से देख लीजिए, 15 से भी नहीं कटेगा, तो इसके फैक्टर्स आ चुके हैं 1, 5, 43, 215, ये सारे फैक्टर्स आ चुके हैं, अब आप इनमें कॉमन फैक्टर देखिए क्या क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 216 एंड 215, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ वन कॉमन आ रहा है और बाकी कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है, तो जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर वन हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, सो 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स, समझ आया, तो 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स, सो दिस इज, यहाँ पे टिक कर दीजिए को प्राइम नंबर है, अब हम लोग एफ पार्ट सॉल्व करेंगे, इधर एफ पार्ट सॉल्व करते हैं, एफ पार्ट में है 81 एंड 16, सबसे पहले 16 के सारे फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 16 को 1 into 16 लिख सकते हैं, 2 into 8 लिख सकते हैं, और 4 into 4 लिख सकते हैं, देन 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता, 7, फिर 8 की टेबल में आएगा, तो नंबर्स रिपीट हो जाएंगे, तो हमें 16 के फैक्टर्स मिल चुके हैं, 1, 2, 4, 8, 16, ये सारे 16 के फैक्टर्स हैं, और फिर 81 का फैक्टर फाइंड आउट करना है, इसको 1 into 81 पहले लिख सकते हैं, देन 3 की टेबल में आएगा, तो 3 into 3, 2 जा 6, कैरी आया 2, अंगे 21, 3, 7 जा 21, 3 की टेबल में आएगा, फिर 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में, 6 टेबल में आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8, 9, 9 की टेबल में आएगा, 9, 9 जा 81, देन 10 की टेबल में नहीं आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, किसी टेबल में नहीं आएगा, तो सारे फैक्टर्स निकल चुके हैं 81 के, क्या क्या, एक आएगा 27 लिखा है, तो फिर लिख लीजिए 1, 3, 9, 27, 81, ये सारे आ गए 81 के फैक्टर्स, अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है, लिखिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 81 इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, सिर्फ वन कॉमन आ रहा है कि नहीं, सिर्फ वन आ रहा है, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर वन हो उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं, तो इसका मतलब 81 एंड 16 आर को प्राइम, लिख लीजिए, सो 81 एंड 16 आर को प्राइम, समझ आया, सो यहां पे भी आप टिक कर दीजिए, ये भी एक को प्राइम नंबर है,
को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। तो इसमें कौन कौन से नंबर को प्राइम है? 18 and 35, 15 and 37, 216 and 215, 81 and 16। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।